तो असाइनमेंट 30A लिखें इसे, और फ्रिक्शन का ये पहला क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ट्राई की, आप डाउट्स पूछें क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्योंकि या तो आप मुझसे डाउट पूछेंगे आज, या अगली क्लास में इन दोनों शीट्स में से 4-5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूंगा। मतलब आपका एक शॉर्ट टेस्ट होगा, इन्हीं में से अगली बार आपने जो आज पूछने आप पूछ लें, नहीं तो फिर मैं तो पूछ ही लूंगा आपको 6 क्वेश्चन जो पूछने हैं इसमें से। तो NCERT तो करवानी है ना कम से कम बेसिक। तो आप ओपन है, पूछें जो पूछने हैं, फिर अगली बार मैं पूछूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 2 सबका हो गया। हाँ, इसके अंदर एक आंसर 0.4 भी है। क्या किया इसमें? FS Max। देखो इसमें ना दो केस हैं, दो केस हैं। कैसे दो केस हैं इसको देखते हैं। एक ब्लॉक 20 न्यूटन का ब्लॉक है और टेंशन T है। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में टेंशन, इस वेट 20 न्यूटन है और टेंशन T है, विच कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन बिफोर द ब्लॉक बिगेंस टू स्लाइड। तो मैं टेंशन बढ़ा रहा हूँ, और जब ये 8 न्यूटन हो जाएगा तो ये बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। इसका मतलब 8 न्यूटन क्या बना? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसके बाद तो कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? काइनेटिक। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक है 8, तो मैक्सिमम स्टैटिक 8 है। अब वो कह रहे हैं कि 8 न्यूटन मैक्सिमम स्टैटिक है, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन पुट कर दें। नॉर्मल रिएक्शन 20 है, तो म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आएगी? 0.4। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक है। लेकिन अगले पार्ट में वो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं 4 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो बॉडी मूव करती है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। मूव करने का मतलब फ्रिक्शन कौन सी है? काइनेटिक है। काइनेटिक है तो यानी कि 8 जो 4 न्यूटन है वो काइनेटिक देगी, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 20 है, तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, दो आंसर आएंगे। तो ऐसे किया आप लोगों ने, सोच लिया था मैक्सिमम स्टैटिक और काइनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, थर्ड क्वेश्चन में कितने लोगों को पता लग गया ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन है? या वैसे भी पता लग गया था ये, क्योंकि 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशियंट टू पुल का मतलब है ये मैक्सिमम स्टैटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5 में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड व्हील्स ऑफ द कार मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड इज 0.5। तो मैंने व्हील नहीं बनाया, गलती से बॉक्स बना दिया मैंने, मुझे गोल व्हील बनाना चाहिए था। तो एक व्हील है और व्हील और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन 0.5 है। इफ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूज इक्वल टू 0, वॉट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन विच इट कैन एक्वायर स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर? 72 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी दूरी कवर करेगी कार जब वो एक्सलरेट करेगी? कैसे पता लगा एक्सलरेट करेगी? इसकी वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई? 20। और जब वेलोसिटी 0 से 20 हुई तो साफ पता लग रहा है कार क्या कर रही है? एक्सलरेट कर रही है, सही है। तो कार एक्सलरेट कर रही है, और व्हील्स के केस में मैंने बताया था, टायर के केस में, सिर्फ टायर के केस में फ्रिक्शन हेल्प करती है हमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रिक्शन ना होगी तो कार एक्सलरेट नहीं करेगी। तो इसलिए फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि न्यू टाइम्स एम जी है, या एक्सलरेशन जनरेट करती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है या एक्सलरेटिंग फोर्स है, ये रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर इसमें ये रोकती तो माइनस एक्सलरेशन होती, ये चला रही है तो पॉजिटिव एक्सलरेशन है, तो यहाँ से एक्सलरेशन की वैल्यू प्लस म्यू जी आएगी। और दिख भी रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ए तो पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव नहीं होगा, तो ए की वैल्यू क्या है? म्यू जी। तो अब आप इसमें क्या करोगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2AS में वी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 0, 2 into A into S, ठीक। यहां से ये 400 आ गया, म्यू आ गया, एस की वैल्यू आ जाएगी, आंसर सही। यहां तक कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? तो एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है तो क्या करना है? म्यू साइन एम जी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1.5 आ रहा है। इसके अंदर कितों का 1.5 आ रहा है? कितना डाउट है? इसमें एक ट्रेन है जो एक्सलरेट कर रही है, ठीक है, ये
पूरा बॉक्स एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट कर रही है, इसके अंदर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये बक्स है और ये स्टेशनरी है, मैं नहीं चाहता ये चले, ये स्टेशनरी है। गिवन दैट कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.15, आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ट्रेन की क्या होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ा दी मैंने ट्रेन की तो सूडो फोर्स ब्लॉक पे बढ़ जाएगी, कि ट्रेन अगर एक्सेलरेट करेगी तो पीछे क्या लगेगी ब्लॉक के ऊपर, सूडो फोर्स लगेगी ma, जो बक्से को पीछे लेके जाएगी, और कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो ma फोर्स इस बॉक्स को लेफ्ट लेके जाएगी और कौन बचाएगा, फ्रिक्शन। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ma है, अब ma तो 1 न्यूटन 0.5 न्यूटन भी हो सकता है, पर कोफिशिएंट ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होती है, तो ma की वैल्यू अगर मान लो छोटी है या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ी है ma से तो ब्लॉक नहीं हिलेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या, म्यू टाइम्स mg, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू म्यू जी। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे एक्सेलरेशन ही निकालनी है, मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के केस में ये लेस देन जो टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वल टू में, लेस देन हटेगा इक्वल टू आएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगी। ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी है इसलिए। मतलब अगर मैं मैथ्स का पेपर जाऊं देने जाऊं तो मुझे कहा जाता है कि तुम्हारे जो मार्क्स आएंगे ना वो लेस देन इक्वल टू 100 आएंगे 100 में से, मतलब कम भी हो सकते हैं और लास्ट 100 ही होंगे, तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या आएंगे, इक्वल टू 100 आएंगे, फिर लेस देन हट जाएगा। तो अगर मैं लेस देन हटाता हूँ तो फिर मार्क्स मेरे मैक्सिमम हो जाते हैं, वैसे ही अगर मैं लेस देन हटाता हूँ तो एक्सेलरेशन मेरी मैक्सिमम हो जाती है म्यू जी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हालांकि काफ़ी लोग ये लगाते नहीं है, इक्वल टू से कर लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन कल को उसने अगर एक्सेलरेशन पूछ ली ऑब्जेक्टिव में, मैक्सिमम वर्ड ना लगाया, फिर इक्वल टू में आंसर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, फिर लेस देन इक्वल टू मिलेगा, फिर फंस जाओगे। तो आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन लेस देन इक्वल टू और मैक्सिमम एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है इसमें। तो इसलिए आपने नोट किया होगा मैं ज़्यादातर इक्वल टू नहीं लगाता, मैं फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा लगाता हूँ, कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है तो आपकी फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एम ए होनी चाहिए, ऐसा लगाता हूँ। कोई डाउट इसमें, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7th क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन, या मुझे मालूम नहीं यही क्वेश्चन शायद कुछ हुआ हुआ है ऐसा कुछ, जिसमें यह बताया था कि एक बुलेट है जिसका मास 0.01 kg है, ये बुलेट है इसका मास 0.01 kg है, हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, मान लेते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ यू, और एक वुडन बॉक्स है 4 kg का रेस्ट पे, इसके अंदर से हिट करता है, हिट करके बुलेट इसके अंदर घुस जाता है, फिर ये कॉमन वेलोसिटी से चल पड़ते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि बुलेट ने ब्लॉक को हिट किया फिर इकट्ठे चल पड़े, सबसे पहला रूल जो लगाने वाला है वो है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस टक्कर से पहले मोमेंटम कितना है, 0.01 × u, और इसका क्या है, 0, ये रेस्ट पे है, और इसका मोमेंटम क्या है, टोटल मास इंटू कॉमन वेलोसिटी, देख रहे हो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो यहां से vc की वैल्यू आ गई, कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये जो ब्लॉक चलेगा बुलेट के साथ vc के साथ, ये आगे चलते चलते रुक जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, घटता हुआ रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर लेगा, 0। तो आप इस, और कितनी दूरी पे रुकेगा, 20 मीटर दूरी पे रुकेगा, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25 क्वेश्चन में केवल है, आपको निकालना है कि बुलेट की स्पीड क्या थी। आप बस मुझे ये बताओ बुलेट रुक रहा है, और अगर बुलेट रुक रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रोकेगी इसे, और फ्रिक्शन जब रोकती है तो रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करती है, तो माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए से ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू जी। जब एक्सेलरेट करती है तो प्लस म्यू जी, तो याद हो गया होगा, और जब रिटार्ड करती है तो माइनस म्यू जी। तो आप इस ब्लॉक के लिए लगाएं वी स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर इज 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी सी की वैल्यू वो पूरी की पूरी वेलोसिटी वी सी के स्क्वायर के अंदर पुट कर दें, 2 × एक्सेलरेशन की जगह माइनस म्यू जी इंटू एस, तो म्यू की वैल्यू पता है, और यहाँ से यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आपको बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है, बुलेट की वेलोसिटी आ जाएगी, कितनों का आ गया था, ये हो गया था। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक करना क्या है, पहला स्टेप जब भी गोली ब्लॉक को टक्कर मारेगी और इकट्ठे मूव करेंगे तो एक ही रूल है और वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तो लगेगा ही लगेगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा कभी भी।
मैंने बोला था मोमेंटम कंजर्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बताता नहीं है कि इसमें लगेगा, ये खुद अंडरस्टूड है कि गोली जब लगती है इकट्ठे जब मूव करते हैं और कॉमन वेलोसिटी निकालनी होती है तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8th में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालनी है। कितनों का हो गया? हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालनी है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ये राइट जा रहा है, 20 और 3 kg है, म्यू आपको गिवन है इसके टेबल के ऊपर, ऐसी है ना? अच्छा फिगर मिसिंग है तो ये बनाओ, ये है, ये फिगर बनानी है, मिसिंग है इसमें शायद फिगर 5.7, ये बनाओ, ये फिगर है, ये फिगर है, ये बनाओ। थ्री है? ओ अच्छा, यहाँ 3G यूज़ किया मैंने, 3 यूज़ किया तो 30 23 एक्सलेशन, एक मिनट रुको जरा, 30G - T इज इक्वल टू 30G है, 30G है, ठीक है 30G है, 30 kg है, 30 किलो होगा वहाँ पर, 30 किलो होना चाहिए, 30 kg होना चाहिए, फिर यार कैलकुलेशन गलत हो जाएगी यार, एक्चुअली नहीं मालूम मैंने तो अभी 3 के साथ और इसके साथ ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, 3 के साथ ही कर दिया मैंने तो न्यूमेरिकल 3 के साथ ही कर दिया, क्या कर सकते हैं, 30 लिखा गया, एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन हुई है, यहाँ चेंज ही करते हैं, तुम तो अपना न्यूमेरिकल ही करो इसमें, ऐसे करो फिर, अब लिखो नया बनाओ, 30 के साथ करते हैं ना, नया आंसर वेरीफाई करते हैं, अब एक चीज़ तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा अपने को, इसमें हाँ 30 ले लो, क्योंकि 30 kg का मास तो इसको नीचे ले भी जाएगा, तो ये लो, एक काम करो इसके अंदर आप ये एक ब्लॉक लो, ये लो ये ब्लॉक लो, ये डायग्राम बनाओ और जरा मुझे आंसर वेरीफाई भी करवा दो इसमें कि ये 30 kg का मास है, 30 kg ले लो, ये 20 kg ले लो, यहाँ टेंशन TNT कर लो, यहाँ टेंशन TNT कर लो, ये एक्सेलेशन ए हो गई, ये एक्सेलेशन ए हो गई, और यहाँ पे जब ये राइट मूव करेगा फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ ले लो, फ्रिक्शन लेफ्ट है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना है 20G, क्योंकि 20G का वेट है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ पर 20G। अब करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखो 30 kg की इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे वेट क्या है 30G, तो बनेगा 30G - T इज इक्वल टू 30 × A, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 20 kg है देखो उसके लिए ये फोर्सेज हैं, तो टी आगे की फोर्स है, पीछे की फोर्स क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 20 × A। तो क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें म्यू की वैल्यू देखना जरा क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0.04 सॉल्व करना, टी और ए कितना आ रहा है, ये लो टी और ए बताना कितना आ रहा है एक बार, सर ये तो 7.8 आ रहा है, टेंशन ए सर एक्सेलरेशन, एक मिनट वेरीफाई करते हैं और देखने दो, एक्सेलरेशन चेक करना, दो स्टूडेंट का 5.8 आ रहा है, एक बार फिर से चेक करना प्लीज, किसी और का भी यही आ रहा है क्या,
5.8 है, और टेंशन क्या आ रही है? टी सर 5.8 है एक्सेलरेशन। ठीक है, और टेंशन? वन वन सिक्स कि 106? सर 126। 126 126 के आसपास है। चलो इसके आसपास है, ऐसे कुछ है। ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि अगर टेबल पे फ्रिक्शन होगी तो करना क्या है। कैलकुलेशन तो चलो को हो ही जाएगी, मेन चीज़ है कि इक्वेशंस कैसे बनी और डायग्राम कैसे बना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमने किया नहीं था उस टाइम तक, ये करना जरा सॉल्व। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक किया नहीं था ना, तो लास्ट टाइम किया हमने ये ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक। तो कितनों ने ट्राई कर लिया ये? अभी आ गया आंसर? देखो क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है 4 kg का और एक ब्लॉक है 5 kg का। एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं 4 और 5 kg, हॉरिजॉन्टल के ऊपर पड़े हुए हैं, स्मूथ है, नीचे टेबल जो है वो स्मूथ है। फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए ऑन बी, मतलब एक तो होता है ना चेक करना कि अगर ए और बी की सेपरेशन होगी, ए बी के ऊपर स्लाइड करेगा तो फिर इसका मतलब काइनेटिक है, और स्लाइड नहीं करेगा का मतलब स्टैटिक है, और अगर स्लाइड नहीं करेगा तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। और वो ये कह रहे हैं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 12 न्यूटन की फोर्स चाहिए कम से कम इनको स्लाइड करवाने के लिए। मतलब ए अगर आप चाहते हो बी के ऊपर से सरकता हुआ चला जाए तो 12 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो 12 न्यूटन की फोर्स को क्या बोलेंगे यहां पे? एफ एस मैक्स है, ये एक्चुअल में एफ एस मैक्स है, ये वो फोर्स है जो ये बताती है कि कितनी वैल्यू पर सेपरेशन होगी कितनी पे नहीं होगी। क्लियर है यहां तक? एफ एस मैक्स है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब हाउ मच मैक्सिमम फोर्स मैं बी के ऊपर अप्लाई करूं, बताओ ये एफ क्या हो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये दोनों इकट्ठे मूव करें, मूव टुगेदर, मतलब सेपरेशन ना हो। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने दे दिया कि वो चाहता है कि बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें ताकि ए उसके ऊपर से गिर ना जाए। तो कोई कहता है ये लो जी एक उंगली हल, ये लो इतनी फोर्स है 0.1 न्यूटन। भाई इतनी स्लो लगाओगे फिर तो इकट्ठे नहीं चलेंगे, मुझे भी मालूम है, थोड़ी ज़्यादा लगाओ। उसने 0.2 लगा दी, नहीं थोड़ी और ज़्यादा लगाओ, 0.3 लगा दी। अब ऐसे नहीं ना, तो मैक्सिमम लगाओ, वो फोर्स बताओ कि बस अगर तुमने उससे ज़्यादा फोर्स लगा दी तो इनकी सेपरेशन हो जाएगी। तो लास्ट वैल्यू आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन या इस टाइप की प्रॉब्लम्स करने के लिए आपको जो नीचे पड़ी बॉडी है यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूँ, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उस बॉडी की फ्रिक्शन कहाँ होगी? पीछे, और ऊपर वाली बॉडी पे कहाँ होगी? आगे। आपके सामने ही है, तो ये पीछे और ये आगे, इसको फ्रिक्शन हेल्प करेगा आगे जाने के लिए। अब मैं ये कह रहा था कि जो ऊपर पड़ी बॉडी है उसको डर है कि मैं नीचे पड़ी बॉडी से कहीं सेपरेट ना हो जाऊं, क्योंकि ये डर बी को नहीं है। बी कहते हैं मैं तो पहले ग्राउंड पे हूं, मेरे को तो कौन ही गिर लेगा, गिरना किसने है? ऊपर की बॉडी ने गिरना है। तो तुम ऊपर की बॉडी से पूछो कि तू कब गिरेगी, वो कहते हैं देखो 12 न्यूटन की लास्ट फोर्स है जो मैं सह सकती हूं, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर तो मैं गिरी जाऊंगी, पक्की बात है। तो यानी कि जो ए बॉडी है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊं ए बॉडी का, तो ये ऊपर वाली बॉडी है जो 4 kg की बॉडी है जिस पे फ्रिक्शन यहाँ लग रही है, तो ये फोर्स 12 न्यूटन अगर हो और इसको अगर मूव करवाया जाए तो इसकी एक्सेलरेशन क्या काउंट होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों? कोई कहता अगर मैं 13 करूँगा और भी एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो 13 कर तो देगा पर फिर ये इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, तो तुम 12 से ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगा नहीं सकते। तो तुमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम दे दी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आ गई जब ये सेपरेशन नहीं होगी।
तो अब फ्री बॉडी डायग्राम से 12 इज इक्वल टू 4 इंटू ए मैक्स लगा लो, तो यहां से ए मैक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये पता लग गया, और ये बात किसने बताई, ये ऊपर की बॉडी ने हमें बता दी कि स्पीड जो एक्सेलरेशन है 3 से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 3 से ज़्यादा रख दी तो फिर मैं नीचे गिर जाऊँगी। तो ये मैसेज कन्वे कर दिया गया नीचे वाली बॉडी को भी, भाई 3 से ऊपर मत रखना, और ये मैसेज उसको भी कन्वे कर दिया गया जो फोर्स लगा रहा है, 3 से ऊपर मत कर देना एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको 3 मिलेगी, इसको 3 मिलेगी, अब ये इकट्ठे मूव कर पाएंगे। अब जब ये बात बी बॉडी को पता लगी, ये रही बी बॉडी, बी बॉडी पे फोर्स आपने निकालनी है, बी बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, 3 लेनी है, 3 ए मैक्स, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे ऑपोजिट है, और जो कि कितनी लेनी है हमने, 12 न्यूटन। ये सारा कैलकुलेशन 12 न्यूटन के साथ हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब इस केस में एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ माइनस 12 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि तुमने ए मैक्स पुट किया तो एफ ऑटोमेटिकली क्या आएगा, मैक्स आएगा। तो कैलकुलेट करना कितना आंसर आ रहा है इसमें, वेरी कर रहे हैं आंसर कितने, ओ सॉरी 5 के जी, ओके मास 5 के जी कर लेना प्लीज, कितना आ रहा है इसका, 5 करना जरा 5 के साथ, पढ़ सर इतना ही है, हाँ वही कर रहा हूँ, एक मिनट यहाँ तक क्लियर है ना। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 27। आप ऐसा भी कर सकते थे इजी थोड़ा, वो क्या कि जब तुम्हें पता लग चुका है ये इकट्ठे मूव करेंगे तो ये 9 केजी का ऑब्जेक्ट हो गया, तो टोटल फोर्सेस टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन लगा दो, एक्सेलरेशन 3 पता ही आंसर, ऐसा भी कर सकते हैं। पर क्योंकि अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आपने पिछला जो लेक्चर लिया था ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आपने फ्री बॉडी डायग्राम से किया था, इसलिए मैंने वैसे किया। ये आपका शॉर्टकट है जो बना लिया, अच्छी बात है, बट आप फ्री बॉडी डायग्राम से तो दोनों केस को सॉल्व कर ही सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो कैसे चेक करना होता है एक्सेलरेशन क्या लेनी है, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट बताएगा जिसको गिरने का चांस है, वो बताएगा कि क्या एक्सेलरेशन होगी इसमें होगी, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में डाउट कितनों का हो गया, ये डाउट है इसमें? एक बॉक्स है 4 केजी का बॉक्स है और वुडन प्लैंक है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, द प्लैंक इज लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड, प्लैंक को उठा दिया ताकि इंक्लाइन प्लेन बन जाए, इट इज नोटेड दैट व्हेन द वर्टिकल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द एंड ऑफ द प्लैंक फ्रॉम द ग्राउंड बिकम 0.5, तो वर्टिकल हाइट कितनी होगी, 0.5। तो द बॉक्स बिगेंस टू स्लाइड, बिगेंस टू स्लाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0। तो बिगेंस टू स्लाइड का मतलब एक्सेलरेशन 0। तो आपको म्यू बताना है इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहली बात यहां से पता लग ही रहा है आपको कि ये 0.5 है, ये 1.5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या है, 0.5 बाय 1.5 का मतलब 1/3 होता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे 1/3 करना है ताकि पाइथागोरस की रूट 8 आ जाए, और यहां से इफ नीडेड टैन थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। अब आपको याद है एक टॉपिक किया था एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जब बॉडी जस्ट बिगेंस टू स्लाइड, और ये भी तो वही कह रहा है कि ये एंगल उतना किया कि बॉडी जस्ट बिगेंस टू स्लाइड, इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला होता क्या है, टैन थीटा इक्वल टू म्यू। तो टैन थीटा की वैल्यू तो आपने इस ट्राइंगल से निकाल ली 1/√8, और यही आपका म्यू है, आपको म्यू तो निकालना है, आपका म्यू आ जाएगा टैन थीटा 1/√8 है, 1/√8 क्या होता है, 1/2√2, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर लो, √2 √2 4 हो जाएगा, 1.414/4 आंसर 0.35 आएगा, तो म्यू की वैल्यू 0.35 है। बट कई लोग एंगल ऑफ रिपोज याद नहीं कर पाते, मतलब उनको याद रहता नहीं है कि एंगल ऑफ रिपोज टैन थीटा म्यू लगाना है, ये शॉर्टकट नहीं याद रहता, काफ़ियों को नहीं याद रहता, फ्लो में जब बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं ना पता ही नहीं लगता, तो उनको इतना तो समझ में आता है मेथड टू, कौन सी फोर्स इस बॉडी को नीचे लेके आ रही है, mg साइन थीटा, कौन बचा रही है नीचे गिरने से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम mg cos थीटा, इन्हें इक्वेट कर लें mg से mg कैंसिल, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू, अब टैन थीटा तुम्हें निकालना आता है तो म्यू आ जाएगा। तुम अगर एंगल ऑफ रिपोज नहीं भी याद कर पाते, तुम्हें ये फॉर्मूला लगाने नहीं भी याद आ रहा, तो तुम्हें कम से कम हर क्वेश्चन में ये तो याद आ रहा है आंसर,
पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? और ये कितनी अजीब बात है कि फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन में एम जी साइन थीटा सदा ही नीचे काम करता है, एक बेचारी फ्रिक्शन की फोर्स एक्स्ट्रा ऐड हुई है म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, बस वही देखनी है कहां एक्ट करेगी और फिर न्यूटन के लॉ लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक स्टूडेंट ये तीन वेक्टर नहीं संभाल पाता और फिर वो ये भी कहता है कि फ्रिक्शन बहुत मुश्किल है। भाई मुझे बताओ तो सही, मुश्किल का है वो क्या पूछ रहा है? या तो होना कि 50 वेक्टर की लिस्ट देता है वो आपको और कहता है कि पूरा डायग्राम भर देता है, समझ नहीं आता इतना बड़ा जाल है। वो चला दो वेक्टर के साथ खेले जा रहा है पिछले एक हफ्ते से, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अब कैसे बात बनेगी? तो प्रैक्टिस चाहिए, दिमाग आप ही का लगना चाहिए, मैं तो कर ही दूंगा। दिमाग तो आपने लगाना है ना, बड़ी सोचने वाली बात है, कुछ भी तो नहीं है यार, हर क्वेश्चन में दो ही तो सेम तो डायग्राम बना रहा हूँ मैं, और अब तो इतनी फ्रिक्शन होगी कि मेरे को लगता है चीज़ें रिपीट ही होनी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब देख देख के याद हो चुका है कि यही तो टेक्निक है पढ़ाने की, कि इतना करवा दो कि उसको दिखना स्टार्ट हो जाए क्लियर। ठीक, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं, चल नीचे कर देते हैं, तो ये ले अभी करता हूँ, तो जहाँ कहेगा वहाँ लगा देता हूँ, मुझे शुरू तो करने दे। देख क्वेश्चन है तेरे तरीके से कर दूंगा। एक मास है 200 केजी का, इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा हुआ है, रफ है 30 डिग्री पे पड़ा हुआ है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको पता है। फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन ताकि मास इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपको ये बताना है कि लीस्ट फोर्स में मैं कितनी लगाऊं। देखो ये तो लगी रही है एम जी साइन 30, तो हर हालत में नीचे लगेगी और फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन को लगने दो, एम जी साइन थीटा भी लगने दो, तुम बताओ कि तुम कितनी फोर्स लगाओगे ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे और मिनिमम फोर्स क्या लगाओगे। अब देखो मिनिमम फोर्स मेरी कब होगी? मिनिमम फोर्स लगानी है तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे को लगानी ना पड़े। तो कहेगा भाई रोकेगा कौन इसे जाके? तो मैं कहा फ्रिक्शन रोक ले, मेरी क्या टेंशन है। तो अगर मैं चाहूँ कि फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करे, अगर मान लो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर जाए और वो एम जी साइन 30 को क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए, तो मेरे को तो हाथ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं ब्लॉक पे, तो मेरी फोर्स तो जीरो है। नीचे और ऊपर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, मैं तो कुछ किया ही नहीं। फ्रिक्शन हाँ, मिनिमम फोर्स में तो यही हो सकता है कि फ्रिक्शन ही बैलेंस कर जाए इस फोर्स को, तो तुम्हारी फोर्स क्या रहेगी? मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम में क्या होगा? अब मैक्सिमम के अंदर क्या होगा, मेरे को मैक्सिमम फोर्स लगानी है ताकि ये ब्लॉक नीचे ना जाए। तो कोई कहने लगा कि सर वो फोर्स ना नीचे लगा दो। मैंने कहा देख, एक तो फोर्स पहली नीचे लग रही है, जब पहली तैयार है कि ब्लॉक को किसी तरीके से नीचे ले आऊं, एक तो मेरे को भी कह रहा है कि फोर्स लगाओ भी तो ज्यादा लगाओ एफ मैक्स, इससे तो उल्टा ब्लॉक नीचे आ जाएगा, फिर बचाएगा कौन इसे? तो इसलिए तुम्हें इसको रोकने के लिए फोर्स कहां लगानी है? ऊपर लगानी है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो तुम अपनी मैक्सिमम फोर्स ऊपर लगाए ताकि ब्लॉक नीचे ना आए। अब तुम फोर्स कहां लगा रहे हो? ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हो, मतलब अगर तुमने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी ना, अब ये ब्लॉक कहां आएगा? ऊपर आ जाएगा। यही इसका मतलब। मैक्सिमम फोर्स कौन सी फोर्स है? बस ये लास्ट वैल्यू ऑफ फोर्स है ताकि ब्लॉक किस पे रहे? एट रेस्ट। तुमने इससे ज्यादा फोर्स लगाई तो ब्लॉक ऊपर चढ़ जाएगा। कोई डाउट इसमें? इसका मतलब अगर ये ऊपर चढ़ने के लिए इतना ही तैयार है तो फ्रिक्शन कहां लग रही होगी? नीचे। और वैसे भी फोर्स मैक्सिमम तो तभी लगेगी जब तुम्हें इसको भी बैलेंस करना पड़े और फ्रिक्शन को भी बैलेंस करना पड़े। तो तुम्हें अगर इसे बैलेंस करना है और इसे बैलेंस करना है तो तुम्हारी मैक्सिमम फोर्स क्या होनी चाहिए? 200 जी साइन 30 प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है इसमें? एम जी कॉस थीटा। आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा? ठीक, कई लोगों को ना ये चीज समझ में आती नहीं है। हाँ जी, कई लोगों को ना, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक सेकंड।
नीचे क्यों बनाया है? देखो ये फोर्स मैक्स ऊपर की तरफ है, फोर्स मैक्स ऊपर का मतलब है कि मैं पूरी पूरे जोर लगा के इस ब्लॉक को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मैं ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन नीचे लग रही है। अब मैं वही आपका एग्जांपल दे रहा था, कई लोगों को नहीं समझ में आता ये फ्रिक्शन कभी ऊपर कभी नीचे कैसे अपना रोल प्ले करती है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल, आप इमेजिन करें, देखो सारी गेम इमेजिनेशन की है, देख सर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल इमेजिन करें। आपके पास आप ना इंक्लाइंड प्लेन पे हैं, आप इंक्लाइंड प्लेन पे हैं, और सोचें इंक्लाइंड प्लेन पे आपने अपने हाथ से किसी किसी दोस्त को पकड़ा हुआ है, बहुत बड़ा इंक्लाइंड प्लेन है कि वो नीचे कहीं स्लाइड ही ना हो जाए, बहुत बड़ी स्लाइड है, और आपको डर है कि अगर मैंने हाथ छोड़ दिया ये तो क्या। तो सोचो ये सिचुएशन जीने मरने की सिचुएशन है सोच लो, और आपने उसको पकड़ा हुआ है वैसे सही, ठीक है, आप भी लटके हुए हैं इंक्लाइन प्लेन पे उल्टे और उसको आपने हाथ से पकड़ा हुआ। आप अपने हाथों का जोर देखना, देखो वो आपका दोस्त ना चल नहीं रहा, मीन्स स्लाइड नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। कभी कभी तो आप हिम्मत हार जाएंगे, बस यार बहुत थक गया। जब आप ये सोचेंगे बहुत थक गया, देखो आपका दोस्त आपके हाथ से छूटेगा नहीं, लेकिन जब आप सोचेंगे बहुत थक गया, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी तो आपकी फोर्स मिनिमम हो जाएगी। देखो आप इमेजिन करो फोर्स नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप जान लगाना बंद कर देंगे, आपकी फोर्स मिनिमम है। तो आपका दोस्त कहाँ गिरने की कोशिश कर रहा है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? ऊपर। अब इमेजिन करें आपको जोश आ गया कि नहीं यार गिरने नहीं दूंगा, जोर लगाता हूँ, भारी बहुत है, हिल भी नहीं रहा। अब क्या है, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हो? अब ऊपर, आपके बाजू में फील कर पा रहे हो, फोर्स ऊपर लग रही है, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है कि ऊपर आए, लेकिन भारी बहुत है, वो हिल नहीं रहा आपसे, लेकिन अब फ्रिक्शन क्या करेगी? नीचे। आप देखो अपने हाथों, सिचुएशन वही है, वो बंदा फिर नहीं हिल रहा आपसे, लेकिन आप इमेजिन कर पा रहे हैं जब वो लूज छोड़ते हो, आप थोड़ा सा अपने मसल रिलैक्स करते हो, बंदा नीचे गिरने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन ऊपर, और जब आप टाइट करते हो तो फ्रिक्शन नीचे, जब आप लूज करते हो तो आपकी फोर्स मिनिमम लग रही है, और जब टाइट करते हो आपकी फोर्स, ये सेम यही तो केस है, वही तभी तो पूछता है एक ही सिचुएशन में मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ। अब स्टूडेंट कैसे समझे इस बात को, जब तक वो पकड़ेगा नहीं है एक ऑब्जेक्ट को जाके, उसको फील ही नहीं होगा कि मिनिमम मैक्सिमम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसके अंदर जब वो मैक्सिमम बोलता है, पूरी जान से ऊपर खींच रहा है, वो नहीं हिल पा रही वो लग बात है, तो फ्रिक्शन तो हो जाएगी नीचे, और जब मिनिमम बोलता है तो फिर ये फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगी? ऊपर। तो आइडिया समझ में आया ये नीचे ऊपर कैसे घूमती है? कोई डाउट इसमें? ठीक, मतलब फील भी करना पड़ेगा आपको फिजिक्स सीखने के लिए, ऐसे याद करने से कुछ ना होगा। नेक्स्ट, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में डाउट, बहुत बढ़िया बैच है यार। थर्टींथ में डाउट, ट्वेल्थ में डाउट है, ये वाला देखो, एक ब्लॉक है 4 kg का, वो रेस्ट कर रहा है इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज, ये बढ़ा दिया ताकि स्लोप 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है? साइन थीटा 1/3 है, तो साइन थीटा 1/3 है, तो यहाँ से कॉस थीटा और टेन थीटा भी आ जाएगा इफ नीडेड। तो द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, ब्लॉक बॉक्स नीचे आ रहा है, तो फाइंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड प्लेन। तो आपने जब इंक्लिनेशन बढ़ाया, जब इंक्लिनेशन को बढ़ाया, तो बॉक्स ने एक ऐसा एंगल आया जब बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, तो यानी कि ये एंगल क्या माना जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, टैन थीटा म्यू, टैन थीटा आप ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, म्यू आ गया आंसर। जब वो बोलता है बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, इसका मतलब एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज, सीधे शॉर्टकट मारें, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू। समझ में आ रहे हैं यहां तक? बोलो, एंगल ऑफ रिपोज स्कूल में यूज कर सकते हैं? एंगल ऑफ रिपोज स्कूल में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में करा रखा है स्कूल के टीचर्स ने, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी की किताब की असाइनमेंट है, उसी तरह यही यूज करती है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा, अगर 2 नंबर का आता है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो तो कर ही सकते हो, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा, तो एक लाइन और लिख देना, क्या ही फर्क है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट है, व्हाट फोर्स अप्लाई टू द बॉक्स पैरेलल टू द प्लेन विल जस्ट 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 एक्सेलेरेशन
ये बहुत खतरनाक वर्ड है, बहुत यूज होता है. जस्ट मेक इट मूव अप द प्लेन, तो मतलब कि बताओ मैं कितनी फोर्स लगाऊं ताकि ये बॉक्स ऊपर जाए लेकिन बिना एक्सेलरेशन के. एक्सेलरेशन शुड बी जीरो. और जब वो कह रहा है कि ऊपर जाए तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी? नीचे. तो एफ किसके इक्वल होगा? 4g sin थीटा प्लस एफ. क्यों? एक्सेलेशन क्या है? जीरो. एक्सेलेशन जीरो का मतलब ऊपर की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्स. ये रहा. तो यहाँ से एफ का फॉर्मूला क्या है? म्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. वैल्यूज पुट कर लेना, एफ की वैल्यू आ जाएगी आंसर. फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में एंगल ऑफ रिपोज नहीं है. अच्छा आप कह रहे हो फिर मैंने म्यू क्यों यूज, इसका म्यू क्यों यूज किया ऊपर? हाँ सेकेंड वाले में हमने ऊपर मूव करवाना है, हमने मूव करवाना है. अब वो एंगल ऑफ रिपोज नहीं हो सकता. एंगल ऑफ रिपोज तब लगता है जब मेरी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, फ्रिक्शन ही रोक लेती है एम जी साइन थीटा को, तब लगता है. क्योंकि एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. लेकिन जब एफ भी ऐड हो गया, अब ये एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट शॉर्टकट ही लगेगा. ठीक है ना? जब मेरी एक्सटर्नल फोर्स है उसमें नहीं लगेगा. इसमें यूज करूं क्योंकि मैं फोर्स उस ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहा हूं. उसने कहा इट स्टार्ट स्लाइडिंग. हाँ एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए. समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ये हो गया. देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना. इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एक ना ऑटो व्हील है मेकिंग मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, रीचीज एन अपवर्ड इंक्लाइंड रोड. सड़क से आ रहा था, 36 की स्पीड थी, इंजन बंद कर दिया और अपने आप स्लाइड होना स्टार्ट हो गया. ऊपर पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, इंक्लाइन पे चलना स्टार्ट हो गया. तो जब ये ऊपर जाएगा, इंजन तो बंद कर दिया उसने बिल्कुल ही, अपने आप ही मोमेंटम गेन कर चुका है,
कुछ देर ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा, सबको पता है, रिटार्ड करेगा। तो रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। 36 का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड से ये एंटर करेगा इंक्लाइन प्लेन पे और कहीं ना कहीं जीरो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। किसने की इसकी वेलोसिटी जीरो? अच्छा ठीक है, फ्रिक्शन थी। चलो ना भी होती फ्रिक्शन तो अब ये हमेशा चलता रहता, अगर फ्रिक्शन ना होती तो बस ये ऊपर 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 चलता रहेगा, हाँ या ना? क्यों? ग्रेविटी, सही है। तो तुम अकेला फ्रिक्शन कैसे बोल सकते हो, तुम्हें बोलना चाहिए कि यहां पर दो दो फोर्सेस हैं, एक एम जी साइन थीटा भी तो है जो हर वक्त नीचे लगती रहती है और कहां लेके जाने की कोशिश कर रही है ब्लॉक को, नीचे, और साथ में फ्रिक्शन भी है जो इस पे लग रही है और ये भी नीचे। तो कुल मिला के किसने रोका? इन दोनों फोर्सेस ने रोका, क्योंकि दोनों कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट इसमें? इसलिए इनका जो सम है, इनका जो सम है वो एक रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए साइन क्या लगा, नेगेटिव। ये रोकने की फोर्सेस है दोनों की दोनों, नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एम 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 कटेगा तो इसके अंदर एफ के का मतलब म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, एम 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 कटेगा तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और आनी भी नेगेटिव चाहिए, क्योंकि ये फोर्सेस क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है, वेलोसिटी को कम कर रही है, वेलोसिटी को बढ़ा नहीं रही। कोई डाउट इसमें? तो ये स्टेप समझ में आया, रिटार्डेशन की वैल्यू कैसे आई, एक्सेलरेशन टेन थीटा इक्वल टू म्यू, तुम्हें कैसे पता लगा एंगल ऑफ रिपोज है, क्या वो रुका रह गया? अच्छा भला तो गाड़ी चल रही है, वो तो तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। एंगल ऑफ रिपोज सिर्फ तभी लगता है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैलेंस्ड बाय एम जी साइन थीटा, यहां तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के सपोर्ट में आ गई जबकि वो तो अपोज में आनी चाहिए थी। तो एंगल ऑफ रिपोज को हर बार देखा नहीं जा सकता, मैंने आपको पहले भी कहा एंगल ऑफ रिपोज बहुत बारीकी से देखा जा सकता है, आप हर में लगाएंगे आप फंस जाएंगे, तो इट्स बेटर आप मत लगाएं, बस आप इक्विलिब्रियम लगाएं। अगर वो कहता है बॉडी रेस्ट पे है, ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स आंसर, आप मत लगाएं, शॉर्टकट बेटर है। बिल्कुल, फिर ऐसा तो मैं उसको उठा के घर पे भी ले जाऊंगा, उसके बाद क्या हुआ मेरे को लेना देना नहीं, बस वी इज इक्वल टू जीरो, खत्म, मेरा क्वेश्चन खत्म। मोशन नीचे कैसे, वो तो तब है ना रुकने के बाद जब वो आएगी, तो क्वेश्चन तो है ही नहीं ना ये, उसने कहा कितनी देर में रुकी, एस निकालो, उसके बाद जहां मर्जी गिरे हमें का लेना, हमने एक बार एस निकाल देना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस से, और रिटार्डेशन यहां पुट करके एस आ गया, हमारा क्वेश्चन खत्म। अब ये नीचे गिरे लुढ़के जो मर्जी करे हमें लेना देना नहीं, अब नहीं, वो ये एस एक ही बात है, तुम जाने का एस निकाल लो, आने का एस निकाल लो, बात तो एक ही है। मैंने भी ये लगाया था कि वो ए इक्वल टू म्यू जी लगा देते हैं, पर फिर मुझको ख्याल आया वो तो स्मूथ उस पर लगती, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोड पे लगती है म्यू जी, ये तो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पे म्यू जी लगी नहीं सकती क्योंकि इंक्लाइंड पे दो दो फोर्सेस हैं, एम जी साइन थीटा भी है और फ्रिक्शन भी है। तुम ये ना देखो कि क्या लग सकता है, तुम उसका ओरिजिन देखो कि कहां से आया था वो, तो कहां से आया था, ये केस तो हमने नहीं किया, ये केस तो पहली बार किया हमने कि अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है तो दो दो फोर्सेस उसको ऑपोजिट की तरफ खींच रही हैं, एम जी साइन थीटा भी और फ्रिक्शन भी, तो इनका सम रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, बस सिंपल। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट, 14 क्वेश्चन में, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन, 2000 क्विंटल की ट्रेन है, इंक्लाइन पेन 1 in 50, 1 in 50 का मतलब साइन थीटा 1/50, और एक्सेलरेशन भी गिवन है 2 m/s², और साथ में ये भी गिवन है, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, 0.5 newton/quintal, 0.5 newton/quintal का मतलब एक क्विंटल की फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है 0.5, पर हमारे कितने क्विंटल हैं, 2000, तो 0.5 को न्यूटन पर क्विंटल को 2000 क्विंटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 न्यूटन आ जाएगा, तो ये क्या आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूरी ट्रेन पे फ्रिक्शन की लगेगी। क्लियर है यहां तक, पूरी ट्रेन की फ्रिक्शन आ गई। अब ये देखो, ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऊपर चढ़ रही है, नीचे तो आ नहीं रही, और ऊपर चढ़ने में ये एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है। मुझे एक बात बताओ, स्पीड कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि
इंजन ने क्या लगाई ऊपर की तरफ? फोर्स। भाई जब वो जोर ही नहीं लगाएगी तो स्पीड कहां से बढ़ाएगी, क्योंकि दो दो दुश्मन है उसको रोकने के लिए, एक एम जी साइन थीटा और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों उसको अपोज करेंगी, पर लेकिन वो खुद अपने इंजन से फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ और एक्सलरेशन प्रोड्यूस करेगी टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि ये एफ है और ये एम जी एम जी साइन थीटा और ये स्मॉल एफ है, तो कौन बड़ा होगा? कैपिटल एफ की ये दोनों, कैपिटल एफ क्यों? क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्सेज इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1000, सारी वैल्यूज पुट करके एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? टायर में होती है वो गोल टायर, ये ट्रेन इज अ ब्लॉक स्लाइड करती हुई जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है, घर जाके ना भूल जाओगे, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है और पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, इसमें भी ट्रेन ऊपर चढ़ रही थी, फर्क यह है कि वहां पर इंजन ऑफ था, तो आगे की कैपिटल एफ की फोर्स थी नहीं, बस सीधा रिटार्डेशन रिटार्डेशन थी, लेकिन इसलिए इन दोनों का सम इज इक्वल टू एम इन टू ए, लेकिन इसमें आगे की फोर्स भी है माइनस पीछे की फोर्स भी है, इज मास इन टू एक्सलेशन भी है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट की है ना उसकी, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मत सोचना कि एनसीईआरटी करवाए वो कंपटीशन हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस है, मतलब आपके स्कूल लेवल में ये आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मत सोचना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर ली, नॉर्मल है ये, इतना तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके बिना आप नॉन मेडिकल क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसा मानना चाहता है कि इतना तो बच्चा करके आएगा। ठीक है, ठीक है, बुरी नहीं है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कितनों का हो गया? हो गया। देखो क्वेश्चन है, एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुई, यू इज इक्वल टू जीरो, नीचे स्लाइड करती हुई आई और फ्रिक्शन की वैल्यू, वो कहता है जी कैलकुलेट नहीं करनी, फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी मेरे से ले लो एफ। तो जब ये बॉडी नीचे आएगी तो कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर है? पीछे। आपको बताना है वी की वैल्यू क्या है। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू ए एस, एस की जगह ये लंबाई क्या है? एल। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू ए एल। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ गई, अगर मैं ए की वैल्यू बता दूं आंसर आ जाएगा। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्सेलेरेशन एम जी साइन थीटा, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो कौन सी फोर्स बढ़ी? एम जी साइन थीटा। अपोजिशन में कौन है? एफ। तो इक्वेशन बोलो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज मास इन टू एक्सेलेरेशन। कोई डाउट इसमें? तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए, यहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई, इस एक्सेलेरेशन को यहां पे पुट कर दिया, जब ऊपर पुट किया तो ये टर्म आ गई। ट्राइंगल में साइन थीटा किसके इक्वल है? एच अपॉन एल, साइन थीटा की जगह एच बाई एल। एम को बाहर ले जाओ, ये रहा बाहर आ गया। एल को इससे मल्टीप्लाई करो, एल को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एल से एल कैंसिल, और ये क्या आएगा? एफ इंटू एल, अंडर रूट लो, जो प्रूव करना आंसर आ गया। चेक कर लो आंसर आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे प्रूव करना है इसे? इसे यू को एफ नहीं लिया, यू तो जीरो लिया, वी स्क्वेयर माइनस जीरो स्क्वेयर इज टू ए एल। मैंने तो एक्सेलेरेशन की जगह ये पूरी वैल्यू पुट की है, फ्रिक्शन को एफ लिया है, मतलब फ्रिक्शन नॉर्मली म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा होती है, पर वो कह रहे हैं कि एफ ले लो, तो फिर मैंने एफ ही ले लिया। ऐसे क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें?
लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का और है? हाँ जी ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, 16 16। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, ठीक है ठीक है। शीट नंबर 30B, नेक्स्ट 30B कर लेना इसे, इस असाइनमेंट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, इसका आंसर ना 10 न्यूटन आ रहा है। कैसे, कितनों का यही आंसर आ रहा है? 11.9 आ रहा है। अच्छा चलो, फिर या तो फिर मैं अपना सोल्यूशन काटूंगा या आप ठीक करेंगे, करें। क्वेश्चन है, एक बॉडी 2 kg की बॉडी है, तो 2 kg की बॉडी 30 डिग्री पे है और आपको म्यू गिवन है, तो नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या होगा? 2g cos 30। तो आपने f लगाया, f की वैल्यू क्या आई? म्यू टाइम्स ng cos 30। सॉल्व करके आंसर मान लो 12.12 आया, ये जो भी आया, जितना भी आया, चलो 11.9 आ गया। ओके डन, आ गया। लेकिन एक बात बताओ, बॉडी नीचे आएगी कि नहीं आएगी? वो तो आपने सोचा ही नहीं। तो कौन नीचे लेके आएगा? 2g sin 30। जब आपने 2g sin 30 को निकाला तो आंसर 10 न्यूटन आ गया। यानी कि बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए थी? 11.9 लगा लो चलो, लेकिन आपने कितनी लगाई? सिर्फ 10। बॉडी नीचे नहीं आएगी। कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और स्टैटिक में जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वही तो फ्रिक्शन है। तो आंसर 10 न्यूटन इज द आंसर। बॉडी को हिलाने के लिए चाहिए 12.12 मान लो। जब आपने फॉर्मूला लगाया तो ये तो वो फोर्स बता रहा है कि बॉडी को हिलाने के लिए इतनी फोर्स चाहिए, पर आप लगा कितनी रहे हो ये भी तो देखो, आप कितनी लगा रहे हो? 2g sin 30। एक्चुअली हम तो कुछ लगा ही नहीं रहे, इसका वेट का कॉम्पोनेंट इसे नीचे लेके आ रहा है 10 न्यूटन। तो आपकी अप्लाइड फोर्स तो कम हो गई ना, तो बॉडी तो नीचे नहीं आएगी। तो जो आप अप्लाई करते हो फोर्स वही फ्रिक्शन हो जाती है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें? 10 ही मार्क करेंगे। तो हमने बुकलेट में किया भी था कि स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जो फोर्स अप्लाइड है वही फ्रिक्शन मार्क करनी है। आंसर 10 है। कोई डाउट इसमें? ये लॉजिक समझ में आ रहा है यहां तक? देखो, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि बॉडी नीचे आ रही है या नहीं आ रही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ट्रेन ऑफ मास 10 की पावर 5 kg अप द इंक्लाइन प्लेन 1 in 50। 1 in 50 का मतलब ये sin θ 1/50 विद एन एक्सलेशन ऑफ 2। कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन 0.005 है। तो आपको F बताना है, तो आपको फोर्स बतानी है, F की वैल्यू बतानी है कि ये बॉडी ऊपर एक्सलरेट करे, और एक्सलेशन की वैल्यू गिवन है 2। भाई जब ट्रेन एक्सलरेट, एक बार ट्रेन पहाड़ पे चढ़ कैसी सकती है? जब तक वो फोर्स नहीं लगाएगी अपने इंजन की, कैसे ऊपर चढ़ेगी? तो मान लो उसने एफ फोर्स लगा दी, वही मेरे को निकालनी है कितनी फोर्स लगाई। पर कौन उसको अपोज करेगा? mg sin θ एंड फ्रिक्शन। और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सलरेट कर रही है, तो आज हमने सेम क्वेश्चन अभी किया, एफ माइनस mg sin θ + f इज ma। अब यहां पे आप m पता है, जी पता है, साइन थीटा पता है, म्यू पता है, एम पता है, जी पता है, एम पता है और ए पता है, कॉस थीटा नहीं पता। अब कॉस थीटा का क्या करें? कॉस थीटा, साइन थीटा पता है। कॉस थीटा क्या होता है? 1 - sin² का अंडर रूट। जब आपने साइन थीटा 1/50 पुट किया तो कॉस थीटा ये आ गया। अब क्या तुम ये वैल्यू यूज़ करोगे अपने कैलकुलेशन में?
ये कैसी खतरनाक वैल्यू है, तो आंसर निकाल ही नहीं पाएगी कभी। और देखो तो सही, सिर्फ एक नंबर का फर्क है भाई, इसे अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेना। इसको मत लेके बैठ जाना कि हो नहीं रहा क्वेश्चन, अंदाजे से 1 लेके यहाँ पुट कर दो आंसर। समझ में आ रहा है कॉस थीटा को 1 क्यों पुट करना है? अंदाजे से पुट करना है, नहीं तो निकाल नहीं पाओगे। ठीक भाई, यही ट्रिक है इसमें, और कोई ट्रिक नहीं है, क्वेश्चन तो पुराना ही है। तो साइन थी, कितने लोगों ने 1 लिया था वैसे? ले लिया था 1? ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट। क्वेश्चन है, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन इंक्लाइन 30 डिग्री पे, एक्सेलरेशन g/4 है, कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। कौन लेके आ रहा है इसे? mg sin 30। कौन अपोज करेगा ऊपर? फ्रिक्शन इज ma, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? न्यूटन mg cos थीटा a की जगह g/4। आंसर ये बुकलेट में भी था, हैंड रिटन। पहला क्वेश्चन यही था वैसे इंक्लाइन प्लेन कैलकुलेशन का। चलो कोई बात नहीं, जैसे किताब लिख रखी है उसको सब याद है कि g/4 वाले क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं। जब मैंने नोट्स लिखवाए थे आपको, टाइप्स लिखवाई थी, उसमें भी g/4 का क्वेश्चन पहले से चेक कर लेना कॉपी अपने, यही था वो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, फिफ्थ में, 10 kg का ब्लॉक है, स्लाइड्स विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन। इसमें ना गिवन कर लो, गिवन टेन 20.3 गिवन है, नहीं तो आपको वैल्यू पता नहीं लगेगी। टेन 20 इज इक्वल टू 0.3 लिख लो, ये गिवन है। टेन 20 इज इक्वल टू 0.3 गिवन है। अब वो क्या कह रहे हैं? पहला केस है, एक बॉडी स्लाइड करती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, तभी तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन क्या है? 0, जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 20। तो एंगल यहां पर 20 है, बॉडी स्लाइड करती है, तो कितनी फोर्स से स्लाइड करती है? mg sin 20। तो कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो नीचे की फोर्स इक्वल टू पीछे की फोर्स, ना कोई बड़ी ना कोई छोटी। ये सबको समझ में आता है कि एक्सेलरेशन 0 में इसे इक्वल क्यों कर देता हूं? हाँ नहीं बोले तो मुझे एक स्टेप फालतू करने पड़े, कोई बात नहीं। ये लो, मान लो ये बॉडी नीचे आ रही है, तो mg sin 20 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि क्या है? 0। इसलिए ये जब इधर जाता है, mg sin 20 इक्वल टू एफ के। तो जब एक्सेलरेशन 0 होती है, तो नीचे और ऊपर की फोर्सेस बराबर कर सकते हो। ये शॉर्टकट है, तो मैं शॉर्टकट लगाता हूं। तो इसके अंदर क्योंकि ये एक्सेलरेशन 0 है, तो mg sin 20 किसके इक्वल है? एफ के। एफ के का मतलब म्यू के इंटू mg cos 20। नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करके mg mg कैंसिल, टेन 20 म्यू के, टेन 20.3 है। तो पहला केस आपको इसलिए गिवन है ताकि आप म्यू निकाल सको, और म्यू की वैल्यू 0.3 है। तो पहले केस से सिर्फ म्यू पता लगता है आपको, कोई डाउट इसमें? सही है। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 20 नहीं रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना कर दिया हमने? 30 कर दिया। तो थीटा हमने 20 की जगह क्या कर दिया? 30 कर दिया। जब 30 किया तो वो क्या कह रहे हैं? इस केस में एक्सेलरेशन बताओ जिससे अब ब्लॉक नीचे आ जाएगा, क्योंकि एंगल बढ़ाने से वो तेज नीचे आएगा, एक्सेलरेशन करेगा। तो केस नंबर 2 में क्या बनेगा? mg sin 30 हो जाएगा, और यहां फोर्स क्या है? एफ के अगेन, लेकिन एक्सेलरेशन है, और एक्सेलेशन है तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg sin 30 माइनस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन। अब क्योंकि एक्सेलेशन है ना, तो दिस माइनस दिस इज एम ए, तो यहां से एम 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 कैंसल। म्यू के की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऊपर 0.3, सॉल्व करके निकाल लेना, एक्सेलेशन की वैल्यू आ जाएगी आंसर। समझ में आ रहा है? केस नंबर 1 इसलिए गिवन है ताकि म्यू आ जाए। केस नंबर 2 के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? केस नंबर 2 में एक्सेलरेशन निकालने के लिए म्यू की वैल्यू ऊपर से नीचे यूज कर रहे हैं। ठीक है यहां तक।
कोई डाउट इसमें? एंगल चेंज कर रहे हैं, म्यू सेम है। म्यू तो देखो है ना, म्यू तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रफनेस। रफनेस तो चेंज की नहीं हमने, फर्क क्या पड़ रहा है वो तो? म्यू तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, सेम है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, सिक्स हो गया, कितनों का हो गया सिक्स? नहीं हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, एक रेलवे इंजन है वेइंग 40 मेट्रिक टन, 10^3 kg लगा लेना, ठीक है, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है ये जो इंजन है ना, ये लेवल रोड पे चल रहा है, लेवल ट्रैक। लेवल ट्रैक का मतलब ऐसे लेवल, हॉरिजॉन्टल ट्रैक। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इंजन चल रहा है एट अ स्पीड ऑफ 54 km/h जो कि 15 m/s होती है। तो आपका इंजन 15 m/s से चल रहा है, सही है, लेवल रोड पे। अब वो कह रहा है कि बताओ कितनी एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी इंजन को कि वो सेम वेलोसिटी से चले लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पे चले जिसका साइन थीटा 1/49 है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, आप गाड़ी प्लेन हाईवे पे चला रहे हो और एकदम पहाड़ आ जाता है तो ऑब्वियसली पावर तो गाड़ी की ज़्यादा लगेगी ना। आप हाईवे पे जा रहे हो, पावर कम है, और जब आप पहाड़ पे जा रहे हो गाड़ी की पावर ज़्यादा है। अच्छा नहीं फील कर पा रहे, तुम जॉगिंग करते हुए जाओ, तुम भागते हुए जाओ, तुम सड़क पे दौड़ो, फिर तुम पहाड़ पे दौड़ो, तुम्हें तुम्हारी बॉडी बता देगी कितनी पावर एक्स्ट्रा लग रही है। तुम भी तो थकोगे, तो पावर ज़्यादा लगेगी, तो एक्स्ट्रा पावर कितनी लगेगी जब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और जब पहले चढ़ रहे थे, तो डिफरेंस क्या है ये बताओ। पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। जब ये इंजन आगे मूव कर रहा है तो इंजन क्या लगा रहा है आगे की तरफ? फोर्स लगा रहा है, इंजन की फोर्स है। और किसे ओवरकम कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू टाइम्स एमजी है उसको ओवरकम कर रहा है, और वेलोसिटी इसकी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इंजन की फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन होती तो एफ बड़ा होता, एफ के छोटा होता। एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब समझते हो एक्सेलरेशन जीरो है, और इसका मतलब ये समझते हो कि आगे और पीछे की फोर्स बराबर है। तो इंजन की पावर लगेगी क्या? इंजन ने जो फोर्स लगाई, इंजन ने जो वेलोसिटी लगाई, मल्टीप्लाई पावर आ गई। अब इंजन ने जो फोर्स लगाई वो तो गिवन नहीं है, इसकी जगह क्या गिवन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहली पावर क्लियर है, पहली पावर कैसे निकली? तो स्ट्रेट रोड पर पावर निकालने का फॉर्मूला क्लियर है कि मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू वेलोसिटी क्यों किया? करना तो मैं कैपिटल एफ चाहता था, पर एफ मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने, मुझे ये पता था कैपिटल एफ फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है, तो फिर मैं फ्रिक्शन ही पुट करती। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? नेक्स्ट है, अब सपोज वो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ता है। जब इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ता है तो अब आपकी जो फोर्स है इंजन की वो चेंज हो जाएगी, और चढ़ता कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही है तो एक्सेलरेशन अब भी क्या है? जीरो। तो मान लो इंजन ने कितनी फोर्स लगाई? कैपिटल एफ लगाई। अब इंजन को दो दो फोर्सेस को ओवरकम करना है, एक एम जी साइन थीटा को भी करना है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो एफ किसके इक्वल है? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तो आपकी कितनी फोर्स लग रही है इंजन की? इन दोनों के सम के इक्वल लग रही है। तो इंजन की नई पावर क्या आएगी? इन दोनों का जो सम होगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इंटू वेलोसिटी, नई पावर आ गई। तो नई पावर में नई फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये समझ में आ रहा है? तो नई फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का सम के इक्वल होगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक?
तो ये आपके पास नई पावर आ गई, ये पुरानी पावर थी, उसने एडिशनल पावर पूछा कितनी लगी, तो P2 में से P1 को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये P2 में से P1 माइनस, वेलोसिटी कॉमन, आपको m पता है, g पता है, साइन थीटा पता है, म्यू पता है, m g cos म्यू m g v सब पता है, आंसर वैल्यू पुट कर लेना। तो एडिशनल पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे लगेगा, पहले पावर क्या लगेगी, अब पावर क्या लगेगी, फिर डिफरेंस क्या लगेगा, क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? एक्सेलेरेशन होगी तो बड़ा होगा, एक्सेलेरेशन जीरो है बराबर होगा, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन जीरो है तो बराबर है, इसलिए समझ में आ रहा है यहां तक ठीक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं भी डाउट तो भी करना चाहता हूं, ये वही है कि मैंने अपने दोस्त को इंक्लाइन प्लेन पर लटका लिया, और एक बार फोर्स मिनिमम है एक बार फोर्स मैक्सिमम है, बस तुम ये इमेजिन कर लो किसको लटकाना है, ठीक। तो देखो वो भी तो करना पड़ेगा तभी तो मज़ा आएगा कि फोर्स किस पे ज़्यादा लग रही है। देखो अब क्वेश्चन है कि मेटल ब्लॉक जिसका मास 0.5 kg है इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये रहा। अब वो कह रहा है कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू गिवन है, व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कितनी फोर्स लगाऊं, ये मेरी फोर्स की बात कर रहा है कैपिटल एफ, टू जस्ट प्रिवेंट, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, मतलब बॉडी नहीं चलेगी, ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। और फिर से दूसरा सेम क्वेश्चन है, टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, पहला केस है कि कहीं ये मेरा दोस्त नीचे ना चला जाए उसे प्रिवेंट करो, और दूसरा केस है कहीं मेरे हाथों से ये ऊपर ही ना आ जाए तो फिर वो फोर्स बताओ, समझ में आ रहा है ये क्या चीज है, पहले केस में कहीं ये नीचे ना चले जाए इसे प्रिवेंट करो, नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन ऊपर है, और दूसरे केस में ये मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, पानी रहा बात अलग है, मेरी में बहुत फोर्स लग रही है तो फ्रिक्शन कहां पर, पीछे, समझ में आ रहा है, दो केस कैसे बनेंगे इसमें, कोई डाउट इसमें? तो पहले केस में प्रिवेंट करना है कहीं वो नीचे ना गिर जाए, फ्रिक्शन ऊपर, एक्सेलेरेशन तो लेनी नहीं है, तो एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम जी साइन 30, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, सॉल्व कर लो एफ की वैल्यू निकाल लो, आंसर वैल्यू तो सारी गिवन ही है इसमें, मेन इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि प्रिवेंट करो ब्लॉक को कहीं नीचे ना गिर जाए, यानी कि नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर, सही पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और दूसरे केस में ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे, तो कैपिटल एफ क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पुट करके सॉल्व करके आंसर, समझ में आ रहा है यहां तक? एफ की वैल्यू दो केस में निकल सकती है, और इन फोर्सेस को मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स का नाम भी दे सकता है ये, एक केस में फोर्स कम आएगी एक में ज्यादा आएगी, तो एक फोर्स मिनिमम है और एक फोर्स मैक्सिमम, ऐसा भी आ सकता है, दोनों में एक्सेलेरेशन जीरो है, वही दोस्त को लटकाना है भाई, बस ना ऊपर आए ना नीचे गिरे, बस ये याद रख लेना, एग्जाम्पल मूव नहीं करने देना उसे, अपनी बाजू में फोर्स एक्सपीरियंस करनी है, कभी ज्यादा कभी कम, ये वो है, सही है। नेक्स्ट है तीसरा केस है, चलो अब वो कह रहे हैं आने दो ऊपर आने दो, खींच लो, खींचो तो एक्सेलरेशन, वो कह रहे हैं अप ऊपर खींचो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20, खींच लो फिर तो 20 मतलब 0.20 की एक्सेलरेशन ऊपर खींचोगे तो फोर्स ऊपर ही लगाओगे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, अब घिसटता हुआ दोस्त को ऊपर खींचोगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी ना, अब ऊपर कैसे आ जाएगी फ्रिक्शन, तब उसको स्लाइड करते हुए ऊपर खींचोगे फ्रिक्शन नीचे, तो इसका मतलब अब ये बड़ा है और ये छोटे है, एक्सेलेरेशन है ना बराबर नहीं हो सकते, तो एफ माइनस सम ऑफ दीज टू फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जगह म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, आंसर एफ निकाल लेना आंसर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीनों चीज क्लियर कर गया, एक्सेलेरेशन में क्या करना है,
नीचे गिरने में क्या करना है, ऊपर करने में क्या करना है, क्या है पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक। और इस क्वेश्चन में डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट? इसमें वो कह रहा है एक ब्लॉक है 100 kg, हमने यहाँ एक रस्सी ली टेंशन टी और 30 डिग्री पे ली, और इसमें ये गिवन है टेंशन बताओ बॉडी जस्ट, अब जस्ट सुनते ही एक्सलेशन जीरो है, जो भी है फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर टेंशन बतानी है, एक्सलेशन जब जीरो है तो मतलब टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे। हमने क्वेश्चन किया पुश पुल वाला, तो टी कॉस 30, टी साइन 30, नॉर्मल रिएक्शन वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, एन प्लस टी साइन 30 इज इक्वल टू एम जी से नॉर्मल रिएक्शन आ गया, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही तो आगे और पीछे की फ्रिक्शन बराबर है, तो आगे की ये फोर्स है, फ्रिक्शन ये लगेगी, तो टी कॉस 30 इज इक्वल टू एफ, और एफ क्या है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तो इस एन को उठा के यहां पुट करके कैलकुलेशन तो क्या कॉपी करोगे, टी निकाल लेना आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें? पुश पुल वाले केस एक ही तरीके के होते हैं सारे। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट?